नमस्कार मित्रों, मैं होनीस और आप देख रहे हैं रैपलिस टेक्नोलॉजी। मित्रों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे, जैसे ही हमने ये देखिए, ये मेरा एक बोया का माइक है। हमने ये बोया का माइक परचेज किया मार्केट से। आप देखेंगे इसमें, यहाँ पर जूम करके हम आपको दिखाएंगे, ये मेरा बोया का माइक है। यहाँ पर देखिए, ये क्लिप करने वाला है। तो ये क्या है ना कि हमने बोया का माइक मार्केट से ऑर्डर किया, तो क्या हुआ ना कि बोया के माइक जो है ना, ये मेरा रियलमी C2 मोबाइल फ़ोन है। हमने काफ़ी पहले हमने इसे परचेज किया है, तो इस वाले फ़ोन में जो है ना, आपका वर्क नहीं करता है बोया माइक जो है। जो एप्लीकेशन जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में, तो उसमें ये वर्क किया ही नहीं, क्योंकि वो नॉइज उस तरीके से आते रहते हैं, तो ये इसका यूज़ नहीं हो पाया उसमें। तो फिर जो हमने जो है ना, यूट्यूब के ऊपर हमने देखे, बहुत सारे वीडियोज़ देखे, तो बहुत सारे यूट्यूबर ने वहाँ पे हमें सजेस्ट किया कि ओपन कैमरा के लिए, कि ओपन कैमरा आप यूज़ करो, आपको उसमें अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन हमने ओपन कैमरा ऐप का भी हमने यूज़ किया, तो उसमें भी जो है हाँ, उसमें काम कर जाती है, ठीक है। तो लेकिन उससे भी अच्छी हमने देखा, फिर हमने दो तीन एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया, एक ओपन कैमरा और एक MX कैमरा और एक केप टू JPG करके थी, एक वो कैमरा हमने इंस्टॉल किया। तो वो तो सबसे बेकार थी, KPG2 करके, हमने उसे डिलीट कर दिया। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे दो एप्लीकेशन की, ओपन कैमरा ऐप और MX कैमरा ऐप, ये दोनों में से कौन सी अच्छी है, कौन सा अच्छा होगा। और सबसे बेस्ट हम आपको ये बताएंगे कि आपका MX के जो है, आपका लो लाइट में भी जो है ना, काफ़ी अच्छा लाइट देती है आपको। जैसे हम ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं ना, ये आपका MX कैमरा के अंदर ये हम बोया माइक को यूज़ कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा आपको साउंड भी आ रही होगी, तो वो ये इसमें हमने यूज़ किया है। और हमने जो है ना, इस वीडियो का अंत तक देखेंगे तो हमने उसमें आपको दिखाया है कि जो ओपन कैमरा में उस तरह का साउंड कैसा है, उसका क्वालिटी वीडियो का कैसा है। और आप इसमें अभी जो देख रहे हैं, इसमें आप कंपेरिजन करेंगे कि ये जो आपका MX कैमरा, इसमें आपका साउंड कैसा है, क्वालिटी कैसा है। तो चलिए, इसको हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको वहाँ पे लेकर चलते हैं और आप देखेंगे किस तरीके से आपका काम करता है, और वो ऐप एप्लीकेशन का हम सेटिंग कैसे करते हैं, वो सेटिंग भी आपको हम बताएंगे, और फिर आप जज करेंगे कौन सा ऐप है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो है ना, हम ये आपका जो MX कैमरा है ना, पहले हम उसकी हम आपको वीडियोज़ दिखाते हैं, आप जज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे वो आपका ओपन कैमरा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइज, व्हाट्सअप, माई नेम इज़ अनीस एंड इन दिस वीडियो आई विल स्पीक यू अबाउट द एन एप्लीकेशन विच यू विल लर्न एंड यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू प्ले एंड एनीथिंग if you need any job and you searching any job in anywhere in a metro city or any other places, then you will need to get improve your English language. So how can you do this language improve by yourself in this pandemic, COVID-19 pandemic? How can you learn, how can you speak, and how everything you will know about the English, what is English, and how can we explain, how can we learn? So I'm going to tell you about in this video how to learn English in your places and by yourself with the help of your mobile phone. जी हाँ मित्रों, तो आपने सही थंबनेल पढ़ा है। हमने जैसे ये भी बताया आपको कि जैसे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डाटा सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके, है ना, मार्कशीट होते हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे जो है ना, वो कैरी करना संभव नहीं होता। कभी आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या कभी अदर प्लेसेस जॉब के लिए जाते हैं, तो क्या होता है ना कि हमारे बहुत सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और सब को संभाल कर रखना, ले जाना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। तो उस केस में क्या होता है ना, हम सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखते हैं जहाँ पर मेरा डाटा सेफ रहती है, और जब हमें जब भी चाहे बस हम वहाँ पर ID पासवर्ड एक्सेस करेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे, जहाँ भी हमको इशू कराना है वहाँ पर हम इशू करा पाएंगे। तो हम उसी के बारे में बात करें। काफ़ी अच्छा सा छोटा सा ऐप है, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। आप सोच रहे हैं ये कैमरा स्कैनर की बात करें, तो बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे कैमरा स्कैनर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वो कैमरा स्कैनर क्या है ना कि कैमरा स्कैनर जो होता है आपका, वो वहाँ पर कुछ पेमेंट सर्विस, वो पेमेंट मांगता है कि आपको पेड करने हैं, तो वो चीज़ है वहाँ पर कौन पेड करेगा भाई, फ्री में तो बहुत सारे हैं। जैसे आपका गूगल ड्राइव भी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी हम बताते हैं। और काफ़ी आपको कंप्यूटर, आपके पास प्रिंटर नहीं हो तो प्रिंटर के जैसे आप उसको आप स्कैन करके और रख पाएंगे, गूगल ड्राइव पर रखना, गूगल ड्राइव पर रखेंगे। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर ये आप बोया का माइक खरीदना चाह रहे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखे हैं, और अगर आप ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे और आप इंस्टॉल कर पाएंगे प्ले स्टोर के माध्यम से, ठीक है।
और हाँ एक चीज़ और आप बताना चाहेंगे हम कि अगर हमने जो इस वीडियो में बना दे लिंक दे रखी है ना, ये आपका जितने भी आप परचेजिंग का, जैसे आपको अगर ये ट्राईपोड खरीदने हो, मोबाइल फ़ोन खरीदने हो, या फिर आपको बोया का माइक खरीदना हो या कोई भी चीज़, तो आप वहाँ से परचेज करेंगे ना, क्योंकि हमने यहाँ से जो है एफिलिएट का लिंक दे रखा है। एफिलिएट के माध्यम से आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं ना, तो उसका जो है ना 2% आप हमसे आप उसका क्लेम कर सकते हैं। अगर हम मेरे लिंक के माध्यम से आप परचेज करते हैं तो 2% का क्लेम आप जो परचेज करेंगे परचेजिंग ऑर्डर के साथ, जब आपका ऑर्डर डिलीवरी का रिटर्निंग डेट समाप्त हो जाती है उसके बाद आप हमें क्लेम करेंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ। मेरे व्हाट्सअप नंबर हमने देख, वहाँ पर आप क्लेम करेंगे, आपको वहाँ से जो है 2% का पेटीएम कैशबैक हम यहाँ से देंगे। ये मेरी ये वेबटिक्स टेक की तरफ से हम आपको देंगे।